सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैच लाइफ विद जीके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसा बटर पेपर घर पर। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो बटर पेपर बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्मूथ प्लेन पेपर, उसको हम 4 डिवीजन में फोल्ड कर देंगे और देन हम एक अगेन फोल्ड करेंगे और नाउ वी विल फोल्ड इट अगेन। तो अब हम केक टिन के रेडियस के हिसाब से इसको साइड में काट लेंगे। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मैंने रेडियस लेकर उसको काट लिया है। तो मैंने ऐसे 2 बटर पेपर्स बनाए हैं और आप एक भी बना सकते हैं। और अब हम इसको करेंगे ग्रीस। बटर पेपर सिर्फ केक टिन के लिए ज़रूरी नहीं होता, आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बटर पेपर। सो अब हम करेंगे इसको ग्रीस विद बटर। तो आप बटर को अच्छी तरह मेल्ट करके फिर ग्रीस करिए तो ये बटर पेपर जल्दी अच्छा बटर पेपर आपका बनेगा। तो अब आपने अच्छे से इसको ग्रीस करना है दोनों साइड से। अब मैंने तो 2 बनाए हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रीस करने में, पर आपने तो 1 बनाया होगा तो आपका जल्दी हो जाएगा ग्रीस। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आपको DIY और मेथड्स देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अब हमने कर लिया इसको ग्रीस अच्छे से। तो अब हम इसको एक टिश्यू पेपर की हेल्प से या आप यूज़ कर सकते हैं एनी क्लॉथ की हेल्प से हम जो एक्स्ट्रा इसका बटर होगा तो वो टिश्यू पेपर या क्लॉथ की हेल्प से हम रिमूव कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम अच्छे से इसको रिमूव कर देंगे जो एक्सेस बटर होगा। तो अब आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है अच्छे से क्लियर हो गए, जैसे आप बाज़ार में देखते हैं बटर पेपर क्लियर होता है तो वैसे ये बटर पेपर बन चुका है। तो इससे आर पर ट्रांसपेरेंट हो गया है ये अच्छे से और एक्सेस बटर भी निकल गया है। टिश्यू पेपर की हेल्प से हमने इसको रिमूव कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा बटर पेपर हमारा बना है। और आप इसको केक टिन में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको टिफ़िन बॉक्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं, कई जगह जहाँ पर आपको नीड है आप वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने लिया है अपना केक टिन, इसको मैं करूँगी ऑयल, आप यूज़ कर सकते हैं पर मैंने इधर बटर से ग्रीस किया है। तो अब मैं फटाफट इसको बटर से ग्रीस कर दूँगी। आप ये ध्यान रखिए कि आप बटर चारों तरफ लगाएं ताकि जो आपका केक हो अच्छे से फूला हुआ निकले और केक टिन पे चिपके ना। तो अब मैंने इसको अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है। तो अब इसके बाद बटर से ग्रीस करने के बाद मैं इसके ऊपर जो ऑल पर्पस फ्लावर जिसको हम मैदा कहते हैं उससे डस्टिंग करूंगी। तो आप देख सकते हैं कैसे आप पहले बीच में फैलाइए फिर साइड पे अच्छे से चारों तरफ मैदे की डस्टिंग कर लीजिए एक बार ताकि जो आपका केक हो अच्छे से फूलकर और बिना चिपके बाहर आए। तो अब गाइस हम अपना बटर पेपर जो DIY मेथड से हमने यूज़ किया है उसको प्लेस करेंगे। अगर आप 2 बटर पेपर नीचे रखेंगे तो ये आपके केक के लिए सेफ्टी हो जाएगी अगर बर्न हो जाता है कभी कभी हमारे नीचे से केक, तो इसलिए। तो अगर ये दोस्तों हमारा बटर पेपर हो गया रेडी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए।